हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ ये जो न्यू मून गया है, ये जो न्यू मून की एनर्जी है, इसका इम्पैक्ट आप दोनों में कैसा पड़ा है। ओके, मैं आप दोनों की करंट एनर्जी चेक करने वाली हूँ। क्या आप दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, क्या आप लोग फील कर रहे हो, ये सब कुछ मैं चेक करूँगी। और क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे चेंजेस आने वाले हैं, गाइडेंस क्या है, ये सब कुछ मैं डिटेल्स में चेक करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने पार्टनर को लेकर आप कैसा फील कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है। द चैरियट, द फूल, पेज ऑफ पेंटेकल्स, Five of Pentacles, Magician, wow, bottom of the deck की energy है, Two of Cups, Sun, Ace of Swords, बहुत positive energy है guys आप लोगों की। तो right now यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोग फील कर पा रहे हो कि आप लोगों की रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। ये सन आप लोगों की लाइफ में आ रही है, विक्ट्री आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप लोगों को रिसीव होने वाली है। एक साइकिल को आप लोग कंप्लीट करने वाले हो और नेक्स्ट जिस साइकिल में आप लोग एंटर करने वाले हो ना, वहाँ पर आप लोगों की विश फुलफिलमेंट है, वहाँ पर आप लोगों के लिए सक्सेस वेट कर रहा है, आप लोग रियूनाइट होंगे उस साइकिल में। ओके, ऐसा आपको अंदर से फील हो रही है, आप लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर फैमिली को लेकर, आगे आपके पार्टनर के साथ रियूनियन होगी तो क्या होने वाली है, ये सब कुछ आप लोग सोच रहे हो। ओके, रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ रियूनियन को। ओके, ये एनर्जी करंटली आप लोगों की है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर में मैरिज होगी तो कैसा होगा, आपके पार्टनर के साथ आपकी कनेक्शन कैसी रहेगी फ्यूचर में, ऐसा सोच रहे हो। ऑलरेडी अगर आपकी मैरिज हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ तो और आगे की फैमिली एक्सटेंड करने के लिए आप लोग सोच रहे हो, हो सकता है इश्यूज आप प्लान कर रहे हो। करेंटली अगर सेपरेशन है तो कैसे आप दोनों रियूनाइट होंगे, ऐसा आप लोग सोच रहे हो। आपको अप्रोच करनी है या आपके पार्टनर के लिए आपको वेट करना है, वो खुद आएंगे, ये सब भी आप लोग सोच रहे हो। ओके, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को जैसे कि एक होप दिखा है कि इस कनेक्शन में इतने दिनों तक जो स्ट्रगल थी वो अभी बहुत हद तक ख़त्म होने वाली है। ओके, आप लोग फिर से होपफुल हो रहे हो। अगर पास्ट में आपने सोच लिया था कि इस कनेक्शन में अभी कुछ नहीं हो सकता है, इस कनेक्शन में आगे कुछ होने को नहीं है, ख़त्म सब कुछ, अभी ना आप में होप है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी रिकॉन्सिलेशन के चांसेस है, अभी भी इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है, अभी भी आप लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, इस कनेक्शन में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा आपको एक अंदर से जैसे कोई कह रहा है आपको कि आपको वेट करना है, अभी भी बहुत कुछ होना है, रिकॉन्सिलेशन होना है। ओके, आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं या फिर इस कनेक्शन में ग्रोथ आ रही है, ऐसा एक अंदर से आपको आवाज़ मिल रही है और आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको जैसे गाइडेंस दे रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे। ओके, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी है ना, आपको कोई होप बाहर नहीं दिख रहा है ना, एक अंदर से आप होपफुल हो रहे हो और उसी का रिफ्लेक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपकी लाइफ में। जिस एनर्जी में आप हो ना, वही आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। ये रियूनियन, ये रिकॉन्सिलेशन आपकी लाइफ में, ग्रोथ रिलेशनशिप में, कमिटमेंट ऑफर, ये सब कुछ ना आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आपकी एनर्जी की वजह से। आप लोग जब हायर फ्रिक्वेंसी जोन में होते हो, जब आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो ना, तभी आप लोग इस रियूनियन को, इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, आप लोग पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हो तो यही आप लोग अट्रैक्ट भी कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, तो आप लोगों की करंट एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है और आप लोग ना पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग अफर्मेशंस बोल रहे हो, होप आ रही है आप पे, होपफुल हो आप लोग इस कनेक्शन को लेकर। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल क्यों ना है, आप रिलेशनशिप को लेकर होपफुल हो, ये मुझे करंट एनर्जी में लग रही है। ओके, ओ वाव, आपके पार्टनर की एनर्जी में देखिए द फूल की एनर्जी, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। हैरोफेंट,
आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मेजर अरखाना है, यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से भी मेजर अरखाना स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। कार्ड्स कितनी ज़्यादा जंप कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी को बहुत जल्दी है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की। यस, आप लोगों के पार्टनर बहुत फास्ट चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में रिटर्न आना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। वाओ वाओ, टेन ऑफ पेंटेकल्स, दोनों मेजर मैरिज कार्ड। वाह, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के पार्टनर हर बार की तरह एक कार्ड एक्स्ट्रा लिए हैं। द मून, यहाँ पर देखिए आपकी तरफ से सन, आपके पार्टनर की तरफ से मून, बहुत स्ट्रांगली मिरर एनर्जी है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स ज्वाइन किए हैं इस रीडिंग को, और कुछ यहाँ पर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स भी है। अब दोनों ना एक दूसरे के बिना अधूरे हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। पास्ट लाइफ लवर्स हो आप लोग, और यस, आप दोनों इनकम्प्लीट हो एक दूसरे के बिना यहाँ पर, इसीलिए ये दोनों कार्ड निकल कर आए हैं। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है, यहाँ पर खुद से जंप करके निकल कर आए हैं, बट है यहाँ पर एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखिए सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट को रिकॉल करना, बार बार रिकॉल करना पास्ट के मेमोरीज़ को। यहाँ पर ना देखिए स्ट्रांगली मिररिंग एनर्जी है, जैसे आप यहाँ पर फील कर रहे हो अपने पार्टनर की एनर्जी को, यहाँ पर सोल कनेक्शन फील कर रहे हो आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी याद आ रही है आप दोनों में जो लव है, जो बॉन्डिंग है, पास्ट में अगर बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, और अभी अगर लेस कॉन्टैक्ट है या बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आप दोनों में, तो आपके पार्टनर बार बार पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर फील कर रहे हो ना, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों जन्मों जन्मों के साथ ही हो, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये फील हो रही है। यहाँ पर देखिए द फूल की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखिए द फूल की एनर्जी है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ केयरफ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी है, यहाँ पर एक मेल की एनर्जी है, दोनों ही देखिए एक दूसरे की तरफ आप लोग केयरफ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हो बस। ओके, तो आप दोनों की एनर्जी में स्ट्रांगली मिररिंग दिख रही है। यहाँ पर आप भी चाहते हो आपके पार्टनर रिटर्न आए आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि ये रिटर्न आए आपकी लाइफ में। आप चाहते हो इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, आपके पार्टनर भी पैशनेट है, वो भी चाहते हैं इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। ओके, वो भी चाहते हैं इस कनेक्शन में अभी आगे आप दोनों ही बढ़ो। ओके, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, यहाँ पर आपके पार्टनर भी चाहते हैं फ्रेश बिगिनिंग को, आप भी न्यू बिगिनिंग को चाहते हो इस कनेक्शन में, न्यूली फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं। यहाँ पर आप चाहते हो इस कनेक्शन में अभी मैरिज हो, आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली लाइफ बनाओ, ये जो स्ट्रगल पीरियड है ये ख़त्म हो। ओके, आप दोनों में रियूनियन हो जाए, परमानेंट वाला मैरिज जैसे आप चाहते हो ना, आपके पार्टनर के साथ आपकी रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों में हैप्पी फैमिली हो, आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं कि आप दोनों में मैरिज हो, आप दोनों में हैप्पी फैमिली हो, आप दोनों हमेशा के लिए साथ रहो, आप दोनों की एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, आप दोनों में कमिटमेंट हो। ओके, आप दोनों की फैमिली एक्सटेंड करना, अगर आप लोग बेबीज प्लान कर रहे हो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में रिटर्न आकर फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं। डेफिनेटली इस सेपरेशन को आपके पार्टनर खुद चाहते हैं ख़त्म करना। ओके, स्ट्रांगली मिररिंग एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम से, और बहुत सारे लोग यहाँ पर डिवाइन लव जर्नी में है, डिवाइन लवर्स हो आप लोग, स्पिरिचुअल लव है आप दोनों में, एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग फील कर पाते हो, म्यूचुअल लव है आप दोनों में यहाँ पर। ओके, ये म्यूचुअल लव आप दोनों फील कर पाते हो, आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, दुआ कर रहे हो अपने इस कनेक्शन के लिए, आपके पार्टनर भी ऐसा लग रहा है ये भी दिल से चाहते हैं, ये भी दुआ कर रहे हैं डिवाइन से। ओके, और हो सकता है ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर उतने ज़्यादा हो सकता है एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये इनके दिल की बात है। आपके पार्टनर खुद चाहते हैं आपके लाइफ में रिटर्न आना, आपको कमिटमेंट देना, मैरिज के लिए प्रपोजल देना, रिकॉन्सिलेशन करना, फैमिली लाइफ के बारे में जब भी ये सोचते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आप आते हो इनके माइंड में। ओके, आपको लेकर करंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और चाहते हैं बस आपके लाइफ में रिटर्न आकर आपके साथ परमानेंटली रहना,
रिकॉन्सिलेशन करना, सक्सेसफुली आपके लाइफ में रिटर्न आना, ये टावर मोमेंट ख़त्म कर देना आप लोगों के लाइफ में से। ये इस कनेक्शन में आपके पार्टनर बस सक्सेस चाहते हैं, बहुत इमोशनल है करंटली और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये फ्यूचर फैमिली को लेकर ना प्लान कर रहे हैं। इनके माइंड में ऐसा भी चल रहा है कि फ्यूचर में ऐसी फैमिली होगी आप लोगों की, अगर आप दोनों ही अभी भी मैरिज में नहीं हो तो ये बहुत प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर। जैसे आप सोच रहे हो ना कैसे रियूनाइट होना है, क्या कुछ करना है, कैसे आएंगे आप दोनों, कैसे मिलेंगे, क्या कुछ होगा फैमिली माने की, क्या मैरिज कैसी होगी, आपके पार्टनर की भी बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है, आपके पार्टनर भी बहुत सारा सोच रहे हैं। यहाँ पर ना आप दोनों एक दूसरे को जैसे क्रेव कर रहे हो, ओके, यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है। चलिए अभी मैं देखना चाहूँगी कि आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वाओ, ओह माय गॉड, तो ये जो कनेक्शन है आगे चलकर ये हील करने वाली है, ये रेनबो आप लोग देख पाएंगे, ओके। यहाँ पर बैलेंस होगी सिचुएशन में और कमिटमेंट, ये कनेक्शन आगे कमिटमेंट तक पहुँचेगी, आप दोनों स्टेबिलिटी गेट करेंगे इस कनेक्शन में, फ्रेश बिगिनिंग होगी और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आप लोगों को, ओके। एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है, इस कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, ओके। विक्ट्री आप लोग गेट करेंगे इस कनेक्शन में, जो भी यहाँ पर फाइटिंग आर्गुमेंट्स है ना वो ख़त्म होगी, ओके। इस कनेक्शन में आप दोनों ही ग्रो करेंगे, जो हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो ना राइट नाउ अपनी लाइफ में, इंडिविजुअली जो खुद पर वर्क करे हो, इनर वर्क करे हो, हार्ड वर्क करे हो, ये सब कुछ पे ऑफ होगा, ओके। डिवाइन खुद आपको रिवॉर्ड देने वाली है, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस। इस कनेक्शन को लेकर जो आप लोग ड्रीम देख रहे हो ना, डेफिनेटली आप लोगों को गिव अप नहीं करनी है। ड्रीम अगर आप देख रहे हो, अगर ट्रस्ट है डिवाइन पर, अगर ट्रस्ट है आपके पार्टनर पर, इस कनेक्शन पर, तो डेफिनेटली आप लोगों की आगे इस कनेक्शन के लिए जो भी ड्रीम आपने देख कर रखे हैं, जो आप ड्रीम देख रहे हो, जो मैनिफेस्ट करे हो, वो ज़रूर आप तक पहुँचेगी। अगेन मून की एनर्जी है, तो अगर कभी कभी लोअर वाइब्रेशन हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है ना, तो उसको रिलीज करो, ओके। क्योंकि इस कनेक्शन में ज़रूर से आप लोग सक्सेस गेन करेंगे, स्टेबिलिटी आप लोग गेन करेंगे, ओके। ये जो कनेक्शन है ना आपके डिस्टाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होगी, अबंडेंस, वाओ, अगेन द सन एंड मून की एनर्जी, अगेन विक्ट्री आ रही है आप लोगों के लाइफ में, सन एंड मून। अब दोनों गाइस एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ओके। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए ही बनी है, ओके। यहाँ पर डेस्टिनी की वजह से आप लोग मिले हो, यहाँ पर कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, आप लोग बस अपने पर्पस पर आगे वर्क करते जाओ, इनर वर्क करो, अपने आप को ग्रो करो, डेफिनेटली आगे आप दोनों रियूनाइट होंगे। ये कनेक्शन आप लोगों को बहुत कुछ आगे देने वाली है, मतलब बहुत कुछ वेट करा है आगे इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए, और यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स कुछ इस कनेक्शन में इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, और उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। आगे गाइस आप लोगों के लिए ना विक्ट्री वेट करी है, विक्ट्री है इस कनेक्शन में, विक्ट्री मिलेगी, ओके। चाहे आप लोग ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप लोग सोलमेट हो, ये लव जो आप दोनों में है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, और डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे सक्सेस वेट करी है आप लोगों के लिए, ओके। चलिए, न्यू मून का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है आप लोगों का ना, जैसे इस कनेक्शन में और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ रहा है, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो रही है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके। कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है अभी भी। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या ये कनेक्शन है या नहीं, तो कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है। आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो, इनर वर्क करना स्टार्ट करो, मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो, ओके। और डेफिनेटली आपको लेट गो करना भी सीखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप मैनिफेस्ट करे हो और वेटिंग एनर्जी में हो, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको लेट गो भी करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आगे इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस टाइम पर इस जो न्यू मून की एनर्जी है ना इससे आगे वाली जो फुल मून की एनर्जी होगी, इसके बीच में आपका कमिटमेंट टेस्ट लिए जा सकते हैं। मतलब इस कनेक्शन के लिए क्या आप डेडिकेटेड हो, क्या इतने हार्ड टाइम पर भी आप इस कनेक्शन के लिए डेडिकेटेड रहते हो, आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप गिव अप कर देंगे, तो ये टेस्ट आपका हो सकता है। तो ये आपका लास्ट
टेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मिरर करे हो, जैसे आप लोग ना मैनिफेस्ट करे हो, आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये भी चाह रहे हैं अभी इस कनेक्शन में बैलेंस हो, चेंजेस आए, तो ये लास्ट टाइम कोई टेस्ट लिए जा सकते हैं आप लोगों के, उसके बाद आप लोगों की लाइफ में सक्सेस होने वाली है, ओके, लक आप लोगों का साथ देने वाली है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बार बार वही मैसेज आ रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करनी है, अपने ड्रीम्स को आप लोग मतलब ड्रीम्स पर फेथ रखो, क्योंकि आप लोगों के आगे ड्रीम्स फुलफिल होने वाली है, एंड खुद पर वर्क करो, इनर वर्क करो, हार्ड वर्क करो, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो हो सकता है आप अभी भी अपने सोल पर्पस पर वर्क करना नहीं स्टार्ट किए हो, तो आपको पता भी नहीं हो सकता है कि आपकी सोल पर्पस क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है तो जो भी पेंडिंग कर्मा है ना उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, और अगर आपको पता है आपकी सोल पर्पस क्या है तो इमीडिएटली उन पर वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत कुछ आपको करना है, आपके ऊपर बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओके, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, अगर आप गुड कर्मा के साथ जुड़ते हो, अगर आप अपनी पर्पस को फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, तो आप जो प्लान कर रहे हो ना उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ओके, तो डिवाइन की गाइडेंस को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आगे बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, सक्सेस, विक्ट्री, सब कुछ आपके पास होगी, अबंडेंस होगी, स्टेबिलिटी गेट करेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ओके, सब कुछ आपको मिलने वाली है, ओके, बस आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ओके, तो यही है गाइस आप लोगों के लिए आज के दिन में रीडिंग, अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।